नमस्कार साथियों, आज हम एक अच्छे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, पासपोर्ट से रिलेटेड। जी हाँ भाई, इंडिया में एक न्यूज निकल के आई है, जो इंडिया के बता दूं, जो विदेश मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स के जो सचिव हैं संजय भट्टाचार्य, उन्होंने अपने बयान में बताया है पासपोर्ट से रिलेटेड। जी हाँ, पासपोर्ट की बात करें तो माइक्रोचिप वाले पासपोर्ट अभी बनने की तैयारी चल रही है। अब माइक्रोचिप वाले पासपोर्ट कैसे बनेंगे, क्या प्रक्रिया होगी, आप लोगों को क्या फायदा होगा, सरकार ये कदम क्यों उठा रही है, जी हाँ इससे रिलेटेड हम डिटेल से बात करेंगे। कब तक ये पासपोर्ट बनने की शुरुआत हो सकती है, सरकार ने क्या बोला है, पूरी डिटेल से बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रख सकते हैं ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। विदेश मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो सचिव हैं, जी हां संजय भट्टाचार्य, उन्होंने अपने बयान में बताया कि सरकार जल्दी ही माइक्रोचिप वाले पासपोर्ट की तैयारी करने जा रही है। अब माइक्रोचिप वाला पासपोर्ट का प्रस्ताव की बात करें तो पास हो चुका है। जी हां, अब इसकी सरकार ने क्या योग्यता है बताइए, क्या बेनिफिट होगा, इससे रिलेटेड बात करेंगे। अब देखिए सरकार ये कदम क्यों उठा रही है, सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा इसका माइनस आ रहा है, आपने भी मेरे भी वीडियो देखे होंगे भाई, इंडिया में सबसे ज़्यादा फर्जीवाड़ा हो रहा है पासपोर्ट से रिलेटेड। लोग यहाँ पे गलत काम करके, दो नंबर के काम करके विदेश भाग जाते हैं, खासतौर से बांग्लादेशी और दूसरे देशों के लोग इंडिया में गलत तरीके से अपना पासपोर्ट बनवा रहे हैं। जी हाँ, आए दिन लोग पकड़े जा रहे हैं, ये सब लोग स्कैम कर रहे हैं पासपोर्ट के साथ में। हालांकि जो पासपोर्ट सरकार ने बदलाव किया था, इसमें सिक्योरिटी थी, लेकिन उसमें इतनी सिक्योरिटी नहीं है कि बंदा 420 नहीं कर सकता है। क्योंकि एक सिंपल पासपोर्ट बनवाने के लिए आपके पास 3 से 4 डॉक्यूमेंट होने चाहिए। लोग फर्जी तरीके से वो 3 से आधार कार्ड, राशन कार्ड या वोटर आईडी या फिर और आपको बताया भाई, इधर देख लो अपने बंगाल की साइड में लोग कैसे फर्जी पासपोर्ट बना के बांग्लादेशी लोग इंडिया में आकर इंडिया से विदेश भाग रहे हैं। इन सब को रोकने के लिए, और लोग भी उनके अलावा इंडियन लोग भी ऐसा कर रहे हैं जिनके एक मुकदमा लगा हुआ है, जो गलत काम है, जो फंस गए, जो विदेश नहीं जा सकते, वो सेटिंग करके 2 नंबर में दूसरा पासपोर्ट बनवा के दूसरे बंदे के थ्रू और वो विदेश भाग जाते हैं। इन सब को रोकने के लिए, जी हाँ गफलेबाजी को रोकने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। ये पासपोर्ट बनने के बाद में देखिए आप लोगों को क्या क्या बेनिफिट होगा। जी हाँ, चिप वाला पासपोर्ट नया जो अभी शुरुआत हो जाएगी, उम्मीद है इसी साल में शुरुआत सरकार कर देगी। हालांकि सरकार ने अपने बयान में आदेश दे चुकी है, जो इंडिया की जो पासपोर्ट सिक्योरिटी प्रेस है, जी हाँ ISP नासिक को मंजूरी दे दी। अब कब से छपने स्टार्ट, कब से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, वो अभी पेंडिंग चल रहा है। इसमें बेनिफिट की बात करें तो बेनिफिट सुन लीजिए, ये पूरा जो सिस्टम है आपका बायोमेट्रिक डाटा सेव रहेगा। जी हाँ, इसमें एक चिप लगेगी पासपोर्ट के अंदर में, और उस चिप के अंदर सेम कंडीशन आपके पास लाइसेंस, जो नए वाले लाइसेंस बन रहे हैं चिप है ना उनमें, पहले बोलेगा यार लाइसेंस में चिप कैसे लगेगी, भाई लगती है लाइसेंस में चिप, लग गई ना। और विदेशों में तो भाई ये माइक्रोचिप वाले पासपोर्ट बहुत सालों से चल रहे हैं, इंडिया तो आपको पता है लेट चलता है, क्योंकि इंडिया में और उन देशों में बहुत ज़्यादा फर्क है। तो इंडिया में भी ये सिस्टम चल रहा है, पूरा बायोमेट्रिक डाटा आपका सेव रहेगा। इससे पासपोर्ट की जो जालसाजी, जो चिटिंगबाजी, फ्रॉडबाजी, नकली डॉक्यूमेंट बना के जो लोग कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे फिर। जी हाँ, क्योंकि उसमें पूरा ऑनलाइन डाटा रहेगा, एक क्लिक करके पूरा डाटा आपका सामने आ जाएगा। जी आगे की बात करें तो इसके में इमिग्रेशन प्रक्रिया आसान रहेगी। अब आपका पासपोर्ट में बहुत सारे वीजे लगे होते हैं, सब कुछ चेक करना होता है, अगर वो चिप लगेगी ना, पूरा रिकॉर्ड उस चिप में रहेगा। जी हाँ, चिप स्कैनिंग के ऊपर करते ही आपका पूरा रिकॉर्ड आएगा, चेक किया तुरंत आप निकल जाओगे। तो ये एक इमिग्रेशन एयरपोर्ट पे लोग जो आपने देखा होगा लाइनों में लगते हैं, 1.5 घंटा लाइनों में खड़ा रहना पड़ जाता है, भीड़ होती है, इस सबसे आपको फायदा मिल जाएगा। जी हाँ, बहुत सारे लोग इंडियन लोग हैं जो विदेशों में जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, वहां पर भी फिर वही है भाई, आपका पासपोर्ट तो पिछड़ा हुआ पासपोर्ट है, तो उनमें तो पूरा फिर पन्ने चेक करने पड़ते हैं ना, कौन सा वीजा लगा, कब लगा, क्या लगा। बायोमेट्रिक जो माइक्रोचिप का हो ना, पूरा सिस्टम चिप में रहेगा, स्कैनिंग की, समझ गए बात को, पूरा डेटा सामने, चेक किया निकल जाओ, यानी जो 1 घंटे का काम मात्र 2 से 3 मिनट में हो जाएगा। ये आपको इंडिया में भी बेनिफिट होगा, ये आप किसी दूसरे देशों में जा रहे हैं वहां पर भी आपका इमिग्रेशन क्लियरेंस बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये भी आप लोगों के लिए अच्छी बात है, और उनको भी शक की निगाह नहीं रहेगी, क्योंकि कई बार वो चेक करते हैं, पता नहीं इसने फर्जी पासपोर्ट में वीजा लगा रखे होंगे, फर्जी स्टैंप लगा रखी होगी, तो वो आप शक की निगाहों में आ जाते हैं। वो ऑनलाइन पूरा डेटा माइक्रोचिप में सेव रहेगा ना, तो वो चेक हो जाएगा, मतलब ओरिजिनल है, तो इतना
आपको फिर संदेह की नजरों से नहीं देखा जाएगा, निकाल देंगे तुरंत प्रभाव से जी। जो पासपोर्ट बन रहा है उससे ज्यादा सुरक्षा मिलेगी आपको, इस जो चिप वाला जो पासपोर्ट बन के आएगा उसमें ज्यादा बेनिफिट और ज्यादा सुरक्षा आपको मिल पाएगी। जी हाँ, आपकी जो ओरिजिनल व्यक्तिगत जानकारी है जो आप जैसे आपने अपने डॉक्यूमेंट के माध्यम से देते हैं वो भी आपकी पूरी डिजिटली रहेगी। जी हाँ, आपका सिग्नेचर भी डिजिटली होगा। अभी आप पासपोर्ट पे जो पासपोर्ट भरवाने के लिए जाते हैं तो वहां पे साइन होते हैं, वही पासपोर्ट के साइन स्कैन करके आपके फोटो के नीचे लगे होते हैं, समझ गए, और वही आपका चेहरा और आपका साइन वगैरह मिलान होता है, इसमें डिजिटली साइन हो जाएंगे आपका, तो झंझट आपका खत्म हो जाएगा, आपका साइन कोई कॉपी नहीं कर सकता फिर, ये एक बहुत अच्छी बात। पूरा डेटा आपको चिप में स्टोर रहेगा, जैसे मोबाइल का सिम कार्ड होता है ना उसमें रहता है आपका डेटा, आपके मैसेज भी उसमें सेव होते हैं, आपका कॉन्टेक्ट नंबर सेव होता है, सेम प्रोसेस उसी में है, ए सेम टू सेम वही रहेगा। लेंसेज वाली चिप में रहता है वैसा ही स्टोर, जो पासपोर्ट में चिप लगेगी उसमें आपका पूरा डेटा रहेगा, जिसमें पासपोर्ट का जो बुकलेट है उस जो मतलब बुकलेट का मतलब उसमें आपका डेटा है उसमें शामिल अगर कोई छेड़छाड़ करता है आपके पासपोर्ट से संबंधित या आप भी करते हैं, ऑटोमेटिक आपका जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका पासपोर्ट कैंसिल, आपको इसके लिए करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पासपोर्ट कैंसिल होगा तो फिर आप दोबारा आपको वेरीफाई करवाना पड़ेगा, वरना एयरपोर्ट पे आपका पासपोर्ट कैंसिल दिखाएगा ऑनलाइन, जबकि पासपोर्ट आपका आपके पास में आपको लगता है कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो ऑनलाइन डेटा जो माइक्रोचिप है उसमें पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा और वो पूरा सिस्टम क्लोज दिखा देगा और पासपोर्ट आपका वेरिफिकेशन कैंसिल हो जाएगा, यानी आप दूसरा पासपोर्ट बनाने के हकदार हो गए और फिर आपको पता है पूरी इंक्वायरी होगी, पुलिस पूछताछ हो सकती है, तो ये एक अच्छा बेनिफिट है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने बता दूं इंडिया की जो सिक्योरिटी प्रेस है, जी हाँ, जिसको बोला जाता है ISP, नासिक में उनको टेंडर दे दिया है, मंजूरी दे दी है। अब कब से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, उम्मीद करते हैं अगर कोरोना का माहौल ठीक ठाक रहा 2022 में इसकी शुरुआत हो जाएगी। जी हाँ, तो ये नया पासपोर्ट हमें जल्दी मिलने वाला है, जो अपने लिए बेनिफिट की बात भी रहेगी और एक पासपोर्ट का लेवल भी बढ़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है, हमें सुरक्षा के साथ पासपोर्ट का स्टैंडर्ड बढ़ता है। ये मान लीजिए सेम कंडीशन, आप नॉर्मल पैंट शर्ट पहन के एक सूट बूट टाइट में जाते हैं तो भाई दूसरे मतलब किसी से मिलते हैं तो स्टैंडर्ड चेंज हो जाता है ना, एक बंदा नॉर्मल है एक बंदा हाई अलग तरीके से है तो वो थोड़ा स्टैंडर्ड हो गया, तो आपके पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ेगी, ये भी एक अच्छी बात है इंटरनेशनल स्तर पे। तो बस ये 5-7 फायदे थे आपको मैंने बता दिए, और जैसे कोई नई अपडेट आती है हम जरूर शेयर करेंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।